आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार सुबह 11 बजे एनएक्सी में होगी। इसमें सरकार भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की शुरुआत करेगी। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का प्रस्ताव समेत करीब 1.5 दर्जन प्रस्ताव मंजूर किए जा सकते हैं। बैठक में सरकार छुट्टा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए गौ अभयारण्य की संस्थापना और साथ ही साथ सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले के लिए नई नीति का प्रस्ताव ला सकती है। साथ ही अंबेडकर मैदान के सामने बने हेलीपैड को पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी मंजूर हो सकता है। होमगार्ड के अधिकारियों को 9 mm पिस्टल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर आज शाम 5 बजे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का प्रेजेंटेशन होगा, जिसकी अध्यक्षता सीएम योगी करेंगे। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ जहां प्रेजेंटेशन लेंगे, तो वहीं उससे पहले 11 बजे एनएक्सी में बैठक होगी। इस समय सरकार भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की शुरुआत करेगी। आज से किसानों के लिए कई सुविधाएं लाई जा सकती हैं। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की बात जिस तरह से की जा रही है, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, 11 बजे आज अहम बैठक होनी है, सरकार ने जो भी अपने वादे दावे किए थे उसकी आज से शुरुआत करेगी। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव भी आज इस बैठक में रखा जा सकता है, साथ ही 1.5 दर्जन प्रस्ताव को मंजूर किया जा सकता है। और क्या कुछ जानकारी है? आपको बता दें कि योगी सरकार 2.0 जब से शुरू है, तब से कैबिनेट की दूसरी बैठक होगी। और आपको बता दें कि इस बैठक में जो संकल्प पत्र में वादे किए गए थे, जो भी वादे सरकार बनने के बाद कहे गए थे कुछ वादों को पूरा किया जाएगा सरकार बनते ही, उसी क्रम में आपको बता दें कि लगभग महीने पूरे होने वाले हैं और अब तक ऐसे कोई मैनिफेस्टो के वादे पूरे नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर माना ये जा रहा है कि आज की कैबिनेट बैठक में ऐसी कुछ घोषणाएं की जा सकती है जो मैनिफेस्टो के अंदर में चुनाव के दौरान जनता को किए गए थे। उसी क्रम में आपको बता दें कि अब इसी के लिए कहा गया था कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी किसानों को सिंचाई के लिए। तो कहीं ना कहीं देखे तो इस बार की कैबिनेट बैठक से जो दूसरी बैठक होने वाली है, कहीं ना कहीं किसान, नौजवान और बेरोजगार और बात करें तो छुट्टा जानवर, जो किसान जो चुनाव के दौरान विपक्ष मुद्दे उठाते रहे और साथ ही साथ जो अभी सरकार है उसके तरफ से कहा जा रहा था कि जो भी समस्याएं हैं सरकार बनने के बाद उसका निदान किया जाएगा, उसी क्रम में जो युवा है उसकी आशा अपेक्षा बढ़ गई है। वही योगी सरकार की तरफ से कहा गया था सभी विभागों को, और सभी विभागों को प्रेजेंटेशन भी जो क्रम है वो भी चल रहा है। लगभग आपको बता दें कि कृषि विभाग, औद्योगिक विभाग एवं श्रम रोजगार, महिला कल्याण और ऐसे कई सारे विभागों के प्रेजेंटेशन हो गया है। तो इन विभागों के प्रेजेंटेशन में वो क्या 100 दिन के अंदर विकास कार्य करेंगे, उसका खाका तैयार करके मुख्यमंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत करना था। उसी क्रम में बता दें कि इस प्रेजेंटेशन में आज स्वास्थ्य विभाग का प्रेजेंटेशन होना है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो आज के इस बैठक में, कैबिनेट की दूसरी बैठक में, अहम मुद्दों पे मुहर लग सकती है और ऐसे जो लुभावने वादे किए गए थे उस पे भी सरकार अपनी हामी भर कर उसे लागू कर सकती है। जी विभांशु, कई सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के तबादले की नीति का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार जो तबादला एक्सप्रेस है वो तो शुरू हो ही चुकी है। जी शिखा, आपको बता दें कि सरकार बनने के बाद ऐसे कई सारे जो जिनके खिलाफ शिकायत थी, जिन अधिकारियों के खिलाफ, उनको चाहे बात की जाए तो जिले के SP या DM इन सबको बदला गया। उसी क्रम में आपको बता दें कि अभी हाल ही में 12 SP के तबादले किए गए। तो कहीं ना कहीं एक दलील दी गई कि जो लुंज, जो सुस्त पड़े अधिकारी हैं उनको हटाया जाए, साथ ही साथ जो कुछ ऐसे पदोन्नति देकर उन्हें अहम जगहों पे बिठाने का काम किया जा रहा है। उसी क्रम में कुछ ऐसे
भी अधिकारी थे जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो योगी सरकार उन्हें साफ तौर पे उन जगहों से हटाकर और नए जगह या उन्हें आयोग को दिया है कि उन्हें नई नियुक्ति दी जाए नए जगहों पे। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि योगी सरकार जो जनता की समस्याओं को निदान को लेकर जो एक खाका तैयार कर रही है कि 100 दिनों में हम ये बदलाव करेंगे, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और साथ ही साथ आपके जो भी अहम मुद्दे हैं उन पे कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश कर रही है और जनता भी आशा अपेक्षा लगा के बैठी है कि इन दिनों में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिससे हमारे विकास होंगे और साथ ही साथ हमारे बेटरमेंट का काम जो अपेक्षा लगा के बैठी है जनता, वो कहीं ना कहीं उनकी आशाएं बढ़ गई हैं। उसी क्रम में आपको बता दें कि योगी सरकार 2.0 की तरफ से कहा गया था 100 दिन में 10,000 रोजगार देंगे जी। तो अब देखना ये होगा कि शिखा, अब जनता आशा अपेक्षा 100 दिन का लगा के बैठी है और सरकार की तरफ से पूरी पुरजोर तरीके से तैयारियां की जा रही है, प्रेजेंटेशन हो रहा है और कैबिनेट की दूसरी बैठक होने वाली, तो कहीं ना कहीं आशा अपेक्षाएं बढ़ गई है और आने वाले 100 दिनों में सरकार के काम दिख जाएंगे जी। जी विभांशु, रमाबाई अंबेडकर मैदान के सामने बने हेलीपैड को भी पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है, तो ये कितना अहम है और सरकार को इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है? आमतौर पे देखिये तो रमाबाई अंबेडकर मैदान में आमतौर पे सभाएं होती रहती है, उस जिसको देखते हो वहाँ एक हेलीपैड बनाया गया था, साथ ही साथ उसे जब भी सभा हो या ऐसी जगहों पे तो अत्याधुनिक तरीके से उसको सुसज्जित करके और उसका विकास करके और किसी और काम में लिया जा सकता है, साथ ही साथ अस्थायी हेलीपैड के तौर पे उसे उपयोग किया जाता है। और आपको बता दें कि लखनऊ की अगर बात की जाए तो पुराने मैदानों में से एक है अम्बेडकर मैदान, जहाँ आपने देखा की तमाम सरकार के वहाँ शपथ ग्रहण हुए हैं। इस बार जो शपथ ग्रहण इकाना में हुआ है वो पहले के समय में रमाबाई और अंबेडकर मैदान में हुआ करता, तो कहीं ना कहीं देखे तो पर्यटन को एक नया मोड़ देने के लिए उसको फिर से विकास की श्रेणी में उसको रखा गया, उस पर विकास किया जाएगा। जी शिखा जी, विभाषु आज शाम 5 बजे के भी कई कार्यक्रम सीएम योगी के निर्धारित है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का प्रेजेंटेशन लिया जाएगा सीएम की अध्यक्षता में, तो इसको किस तरह से देखते हैं? जी शिखा, आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे विभागवार तरीके से प्रस्तुतिकरण होगा, जिसमें आपको बता दें कि आज स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का आज प्रेजेंटेशन होना, इस प्रेजेंटेशन में जो मैनिफेस्टो के साथ साथ और 100 दिन के जो काम के खाके हैं उसमें कहा यह गया था कि यूपी के 75 जिलों में 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, 100 बेड की उसकी संख्या बढ़ाकर 100 बेड की जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखे तो जो जनता है उसका पूरा अगर देखे तो कहीं ना कहीं उनके आशा अपेक्षाएं बढ़ी हुई है कि उनके हॉस्पिटल अत्याधुनिक होंगे, साथ ही साथ उसमें मिलने वाली सुविधाओं में भी बदलाव किया जा रहा है। उसी क्रम में आप देखने की डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की तरफ से तमाम ऐसे अस्पतालों का निरीक्षण किया गया और वहां जाकर वहां के जायजा लिया गया, साथ ही साथ वहां जो पर्चियां कटती हैं उस पर्चियों के लिए अब एक ऐप लॉन्च किया गया है कि मरीज से संबंधित जो भी जानकारी हो और जो पर्ची लाइन में लग के काटी जा रही थी उसे एक ऐप के माध्यम से फीडिंग के माध्यम से डॉक्टर अब पेशेंट को देख सकेंगे, तो कहीं ना कहीं पेपरलेस स्वास्थ्य विभाग को बनाया जा रहा है। उसी क्रम में 100 बेड का अस्पताल और बात की जाए तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, जहां एक तरफ कोरोना 14 हफ्तों बाद फिर से अपने पीक पे आ रही है और तो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं तैयारियां की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि हमारे पास अगर ऐसी चौथा वेव आता है और कोरोना अपना विकराल रूप लेता है तो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग तैयार है, स्वास्थ्य महकमा तैयार है और उनकी तरफ से दलील ली जा रही है कि हमारे पास इतने ऑक्सीजन है कि हम अन्य राज्यों को दे सके। जी जी बिल्कुल विभाषु, हर मुद्दे पे नजर तो रखी जा रही है लेकिन एक अहम मुद्दा भी है जो इस वक्त गरमाया हुआ है, जिस तरह से त्योहारों और सांप्रदायिकता का मुद्दा गरमाया हुआ है इसको लेकर भी सीएम योगी ने वर्चुअली माध्यम से सख्त दिशा निर्देश दिए, उसको किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से लाउड स्पीकर की बात कही गई है कि धार्मिक स्थानों पर अगर लाउड स्पीकर लगे हैं तो उनका उपयोग किया जा सकता है लेकिन उसकी आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन नए जगह पे लाउड स्पीकर नहीं लगने चाहिए, त्योहारों को देखते हुए सख्त निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, किस तरह से देखते हैं? जैसे आपको बता दें कि लाउड स्पीकर कांड जो कि महाराष्ट्र से मनसे की तरफ से शुरुआत की गई, उसका
जो आधी था धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में आ गया। और आपने देखा कि तमाम जगहों पे जहां एक तरफ इंसानियत की मिसाल दी गई तो दूसरी तरफ लाउडस्पीकर के जवाब में अजान के वक्त हनुमान चालीसा बचाकर उसका जवाब दिया गया। और कहीं ना कहीं आपने देखा कि कहीं पत्थरबाजी हुई तो कहीं आपने देखा कि दो समुदाय आपस में मिलजुल कर एक गंगा जमुना तहजीब का जो एक परिचय दिया वो कहीं ना कहीं आपने देखा। तो इसमें आपने दो पहलू के तौर पर आप देख लिए कि किस तरह का माहौल है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रदेश का जो हालत है वो कहीं ना कहीं अगर देखे तो उसको अगर कहीं ऐसे बात आ रहे हैं और जो अगर देखे तो धार्मिक सौहार्द को बनाने के लिए योगी सरकार की तरफ से अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जिसमें अगर बात की जाए तो नए जगहों पे लाउडस्पीकर नहीं लगाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि योगी सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगर कोई अपनी पूजा पद्धति को मान रहा है तो उसके लाउडस्पीकर लगाए मगर परिसर से बाहर आवाज न आए जिससे अन्य लोग उससे परेशान हो सके। तो कहीं ना कहीं देखे तो एक तरफ रमजान महीने चल रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदू त्योहार चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो योगी सरकार आपसी चैन बनाने के लिए अमन बनाने के लिए कहीं ना कहीं के फैसले ले सकते हैं और अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं कि जो भी अजारक तत्व हैं उन पर नजर बनाए रखें और प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुचारू एवं अच्छे ढंग से चलाया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए विभांशु जुड़े थे इस खबर में हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता। तो सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वो चाहे आज चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का प्रेजेंटेशन लेना हो, कैबिनेट के साथ बैठक करनी हो या फिर जो है इस वक्त देश में गरमाए मुद्दे के ऊपर अपनी सख्त प्रतिक्रिया देनी हो, साथ ही पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश देना हो, हर चीज में सक्रिय नजर आ रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देश में कोरोना वायरस के मामले में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में 1247 नए मामले सामने आए हैं। जहां दिल्ली में सोमवार को 501 नए कोरोना केस मिले, इसे कोरोना की चौथी लहर का भी संकेत माना जा रहा है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 7.72 हो गया है। इतना ही नहीं, यूपी में भी पिछले हफ्ते की तुलना में कोरोना के 141% केस बढ़े हैं। वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। यहां पिछले 24 घंटे में सोमवार को 115 नए केस सामने आए, जबकि ज्यादा से ज्यादा केस गौतम बुद्ध नगर में मिले हैं। यहां 65 केस मिले हैं। वहीं गाजियाबाद में 20 और लखनऊ में 10 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। यूपी में पिछले हफ्ते 224 केस मिले थे और अब ये बढ़ा हुआ आंकड़ा नजर आ रहा है। तो दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 7.72% हो गई। एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे और इस बार भी इसकी शुरुआत दिल्ली से ही हुई है। और आपको बता दें कि यूपी में भी पिछले हफ्ते की तुलना में कोरोना के 141 केस बढ़े हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं, जहाँ पिछले 24 घंटे में 115 नए केस सामने आए हैं और सबसे ज्यादा केस गौतम बुद्ध नगर में 65 मिले हैं। तो वहीं गाजियाबाद में 20, लखनऊ में 10 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से सटे इलाकों में सबसे ज्यादा कोविड केस सामने आ रहे हैं, जिसमें गाजियाबाद है और दिल्ली लगातार सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कोरोना के मामले दिल्ली में ही सबसे ज्यादा और सबसे पहले पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं, सबसे ज्यादा फ्लाइट्स वहीं आती हैं, वहीं बाहर से लोग आते हैं। और ऐसे में नए वेरिएंट का खतरा भी काफी बना ही रहता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि जीनोम सिक्वेंसिंग भी कराई जा रही है। अब जितने कोविड मामले सामने आ रहे हैं लगातार सब पे नजर बनाई हुई है। अगर बात करी जाए यूपी की तो यूपी के अलग अलग हिस्सों में भी अब कोविड के मामले सामने आने लगे हैं। और अगर बात करें यूपी की राजधानी लखनऊ की तो वहां पे 10 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। गाजियाबाद में 20 मामले सामने आए हैं और लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में भी कोविड के मामले लगातार सामने आते दिखाई दे रहे हैं। जहाँ अभी कुछ समय पहले ही मामले एकदम थमते हुए नजर आ रहे थे, जहां सक्रिय मामलों की कमी देखने को मिल रही थी, तो वहीं अब एक बार फिर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। और इस खबर पर मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं गोरखपुर से और विभांशु जुड़ चुके हैं लखनऊ से। हिमांशु, जिस तरह से गोरखपुर में कोविड के मामले इस वक्त सामने आ रहे हैं, क्या लगता है कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं?
हिमांशु बता दें कि गोरखपुर में अभी कोरोना के कोई विशेष मामले सामने नहीं आए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में आप एनसीआर की बात करें या लखनऊ की बात करें तो वहां पे मामले काफी सामने आए हैं, लेकिन गोरखपुर में अब तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है। जी अगर बात करें जब वैक्सीनेशन की तो लगभग कितने प्रतिशत लोगों का पूरा वैक्सीनेशन हो गया है? देखिए गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर में 80% जो वैक्सीनेशन हो चुका है, बूस्टर भी लग चुके हैं, बूस्टर डोज लग रहे हैं और पूरी तरह से सक्रिय हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम और लगातार इस पहल को किए जा रहे हैं और इसके हिसाब से कार्यक्रम भी चला रहे हैं और स्कूलों में जाकर के होटलों में जाकर के अन्य तरीके से भी बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। जी विभांशु, लखनऊ में 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इससे पहले जब मामले सामने आए थे जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कही थी सीएम ने, तो किस तरह से देखते हैं क्या दिल्ली से सटे इलाकों का असर अब लखनऊ और बाकी जगह पे भी पड़ रहा है? कोरोना फिर से चौथी लहर के तौर पे फैलने लगा है, वहीं आईआईटी प्रोफेसर का मानना है कानपुर के कि ये तीसरी लहर से कमजोर होगा। आपको बता दें एक बार फिर जो कोरोना के फैलने का रिसाव का केंद्र बन रहा है वो दिल्ली बन रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो बीते 24 घंटों में कोरोना केसेस के मामले सबसे तेजी से बढ़े। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो कल उत्तर प्रदेश में 7 जिलों को हाई अलर्ट घोषित करते हुए वहां मास्क को अनिवार्य कर दिया गया। और आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, शामली, हापुड़ एवं एनसीआर से सटे जिलों एवं राजधानी लखनऊ को में जो मास्क है उसको फिर से लागू किया गया है कि किसी सामाजिक स्थल पर या ऐसे जगहों पर, स्कूल में, तमाम जगहों पर अब मास्क लगा के ही एंट्री मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि जो स्वास्थ्य महकमा है उसकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो भी पुराने तरकीब थे कि 2 गज दूरी एवं सैनिटाइजेशन और हाथ धोते हुए, इन सब पद्धतियों को फिर से मानने की शुरुआत की जाए। वही बताया कि लखनऊ में कल राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में 10 छात्रों को कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद रामलाल लोहिया कॉलेज में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आपको बता दें कि लॉ थर्ड ईयर के बच्चों ने पेपर का बहिष्कार किया। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि 20% बच्चों के कोविड टेस्ट किए गए, जिसमें 10 बच्चे छात्र कोविड पॉजिटिव हुए, जिसको लेकर जो रामलाल लोहिया कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, उसकी छात्रों ने पेपर का बहिष्कार किया। वहीं आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन की दोनों डोज की बात करें तो 30 करोड़ लोगों को अगर बात की तो 30 करोड़ डोज लगे हैं, पहली और दूसरे डोज को जोड़ा जाए तो 30 करोड़ डोज लग चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य महकमों को निर्देश दिए गए हैं कि आप चिन्हित करें जिन्हें भी कोविड वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें लगवाएं। और वहीं आपको बता दें अगर बच्चों की है वैक्सीन की तो बच्चों की वैक्सीन में भी लगभग 80% वैक्सीन लगा दिए गए हैं, 14 जनवरी के लगभग शुरुआत की गई थी और आपको लगभग सभी का वैक्सीनेशन अब पूरा होता नजर आ रहा है। बिल्कुल विभांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हम आए थे गोरखपुर से हिमांशु और लखनऊ से विभांशु जुड़े थे। और जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं अब उसको देखते हुए यूपी भी अलर्ट पर है, क्योंकि यूपी के भी अब कुछ हिस्सों में जो कि दिल्ली से जुड़े हुए हैं, नोएडा, गाजियाबाद, तो यहाँ पे भी कोरोना के मामले देखने को मिले हैं और लखनऊ में भी कोरोना के मामले सामने आ गए हैं। और अब इसको देखते हुए लगातार सतर्कता बरती जा रही है, मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।